मेरी मेहनत के पैसों से बना मेरा एक मकान है, उसे घर बनाओगी क्या? मेरे उस खाली मकान में मेरी शहजादी की किलकारियां मुझे सुनाओगी क्या? तुम्हारे बालों के लिए कजरा लेके आऊंगा, पैरों में पायल में बेशुमार लाऊंगा, इतना कमा लेता हूँ। सुनो, मेरे साथ बाइक पे बारिश में भीगने जाओगी क्या? काश वो साथ होते तो ऐसा होता, काश वो साथ होते तो वैसा होता, इन्हीं ख्यालों में हर रोज मेरा दिन गुजरता है। काश वो साथ होते मेरे तो चल कहते रोड क्रॉस, हाथ पकड़ मेरा अपने हाथ में, शायद वो भी देते गुलाब मुझे अपनी मोहब्बत के इजहार में। काश वो साथ होते तो हम भी सेम कपड़ों वाला लिबास पहनते, बनते वो दूल्हा और दुल्हन वाला लहंगा मेरे घर भेजते। काश वो साथ होते तो ये अरमान मेरे पूरे होते, काश वो साथ होते तो ये जो अधूरी ख्वाहिशों के ख्वाब हैं वो पूरे होते। एक लड़का था सियाना सा, अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने सब कुछ कमाया, नाम शोहरत पैसा, बस एक प्यार का जो सलीका होता है वो ना सीख पाया। यही ख्यालों से वो एक दिन गुजर रहा था, बारिश भी हो रही थी, ट्रैफिक जाम था। आपने एक वो सी वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल थी, एक बाइक पे बैठा कपल था, पीछे उसकी वाइफ बैठी थी, अंगे हस्बैंड के हाथों में दर्द होने लगा बाइक चलाते चलाते, तो वो उसके हाथों के दबाने लगती है, उसकी कलाइयों की मसाज करने लगती है। तो वही सीन देख करके हर किसी के मन में वहाँ ये ख्याल आया, काश हमारा हम सफ़र भी ऐसा होता। ये देख करके जो बारिश थी वो भी मुस्कुराने लगी, थोड़ा अपना कहर बरसाने लगी। ये देख करके हमारी कहानी के नायक के मन में भी एक आस जगी, काश कोई होती जो मेरा भी ऐसे ख्याल रखती। तभी उसकी नज़र रोड क्रॉस करती हुई एक साड़ी में लिपटी लड़की पे पड़ी, माथे पे बिंदी पैस कंधे पे झूल रही थी, हाथों में कुछ किताबें भी थी, सादा लिबास में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जाने क्या हमारे नायक के मन में हलचल हुई, रोक ना सका खुद को, दौड़कर उस नायिका के पास जाने लगा। सामने पड़ी एक बच्ची फूल बेच रही थी, उससे वो फूल लेने के लिए अपने हाथों की बेस कीमती घड़ी उसको थमा दी और फूल देने की उससे दरखास्त की। बच्ची छोटी थी, उसको कीमती घड़ी की कीमत नहीं पता थी, उसके लिए बस वो 150-200 रुपए की घड़ी थी, लेकिन उसकी दरख्वास्त सुन बच्ची ने सारे फूल दे दिए। फूल लेके नायक दौड़ता हुआ नायिका के पास गया, बीच रोड पर उसको रोक करके घुटनों के बल बैठ करके शादी के लिए पूछने लगा। नायिका पहले तो थोड़ा घबराई, ऐसे कोई प्रस्ताव लाएगा तो हर कोई घबराएगा, वो थोड़ा घबराई, आसपास नजरें दौड़ाई तो देखकर वो थोड़ा सहम गई, फिर बोली ऐसे थोड़ा ही होता है, ये फर्स्ट साइड वाला जो लव होता है ये बस टीवियों और मूवियों में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम एक दूसरे को जानते भी तो नहीं, हमारी जातों का भी तो पता नहीं। ये सुन करके जो बारिश है वो थोड़ा थम गई। इधर वक्त हो रहा था ट्रैफिक खोलने का, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी वक्त बढ़ाने में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। नायिका की बात सुन नायक बोला, ये जाते इंसानों ने बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है, शादी के बाद तुम मेरी जात बन जाना, चाहो तो मैं तुम्हारी जात बन जाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे बस इंसान होंगे, मैंने ये बात अपने दिमाग में बिठाई है। ये सुन करके नायिका कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी नायिका का फ़ोन बजा, देखा तो पापा की कॉल थी, वो थोड़ा हिचकिचाई फिर कॉल उठाई, जाने कौन ये दृश्य लाइव दिखा रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही पापा बोल उठे, सुनो बेटी, पहले तो दामाद जी को खड़ा करो, घुटनों में दर्द होने लगेगा, तुम शादी के लिए बेशक हाँ करो, हमें तो अब यही दामाद चलेगा। ये सुन करके नायिका ने उससे फूलों का गुलदस्ता ले लिया और उससे कहा, ठीक है अब हम शादी करेंगे, क्योंकि इसमें मेरे पापा की भी मंजूरी हुई। ये सुन करके नायक खुशी में झूमने लगा, नायिका का हाथ थाम अपनी कार के लिए दौड़ने लगा। पहुंचा नायिका के घर साथ लेकर उसके, तरस रहा था बचपन से जिस प्यार के लिए, आज प्यार के उसके ऊपर बरसात हो रही थी, जिस परिवार के लिए वो तरसता रहा इतने सालों से, आज उसी परिवार की उसकी ज़िंदगी में स्वागत हुए। थैंक यू।